भगवान बुद्ध एक दिन वन से गुजर रहे थे, तब रास्ते में एक व्यक्ति जमीन खोद रहा था। बुद्ध विश्राम के लिए वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस व्यक्ति को खोदते खोदते एक कलश मिला। कलश में हीरे जवाहरात भरे हुए थे। सोचा, आज मेरा भाग जाग उठा है। उसने कलश के बुद्ध के चरणों में रखा तथा कहा, आपकी आशीर्वाद से ही मुझे यह अचूक दौलत प्राप्त हुई है। मैं इससे कुछ रत्न आपको भेंट करना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे लिए यह दौलत है, किंतु मेरे दृष्टि में तो यह विष के समान है। बिना परिश्रम के मिला धन विष ही होता है। वह व्यक्ति नाराज होकर कलश लेकर चला गया। उसने हीरे जवाहरात बेचकर संपत्ति खरीद और दरिद्र से धनवान हो गया। किसी व्यक्ति ने राजा से शिकायत कर दी कि जमीन में दबा धन राजकोष का होता है। उस व्यक्ति ने उसे निजी काम में लाकर नियम का उल्लंघन किया है। राजा ने उस व्यक्ति को बुलाया और कलश जमा करने को कहा। उसने सच्ची बात बता दी, मैंने हीरे जवाहरात बेचकर संपत्ति खरीद ली। राजा के आदेश से उसे परिवार सहित जेल में डाल दिया गया। उसकी संपत्ति जब्त कर ली गई। एक दिन राजा जेल के निरीक्षण के लिए गए, उस व्यक्ति से भी मिला। उसने कहा, राजन, मुझे जब वह कलश जमीन में मिला तो बुद्ध वही थे। उन्होंने मुझे कहा था कि इसमें रत्न नहीं विष है। यह सुनकर मैंने उसका अपमान किया था। आज जेल में रहकर मुझे अनुभव हो रही है, उनकी बात बिल्कुल सच थी। बिना परिश्रम किए मिला धन विष के समान ही होता है। मैं एक बार भगवान बुद्ध के दर्शन करके उनसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। राजा ने भगवान बुद्ध को सम्मान राज्य में आमंत्रित किया। जेल से निकालकर उस व्यक्ति को बुद्ध के पास ले गया। उसने उनके चरणों में बैठकर क्षमा मांगी तथा कहा, आपकी बातें सत्य थी। कलश में वास्तव में ही विष था जिसने मुझे जेल भेजवाया। बुद्ध के आदेश से राजा ने उसे जेल से रिहा कर दी। उसने उस दिन से परिश्रम से प्राप्त धन से जीवन यापन शुरू कर दिया।